गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू द टुडेज प्रेजेंटेशन टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स। किसी सब्जेक्ट का बेस माना जाता है क्लासिफिकेशन। एक बार आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया ना, बाद में आने वाला सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली समझ में आ जाने लगेगा। इस लेक्चर में मैं कवर किया हूँ व्हाट इज क्लासिफिकेशन, ब्रीफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग किंगडम एनिमालिया एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा, देन क्लासेस ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा विथ एग्जाम्पल एंड इमेजेस, देन जनरल थिंग्स रिलेटेड टू द क्लास इंसेक्टा, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास इंसेक्टा ऑर्डर्स विथ एग्जाम्पल एंड इमेजेस, ब्रीफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मेटामॉर्फोसिस, एंड एट द एंड फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। आप लोगों को एंटमोलॉजी सब्जेक्ट हार्ड लगता है ना, इस लेक्चर देखने के बाद आप खुद बोलेंगे एंटमोलॉजी सब्जेक्ट इतना इजी होता है क्या। चलो फिर अपन देखेंगे अभी क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स। मैं आप लोगों को हर बार बोल रहा हूँ कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक ईच एंड एवरी वीडियोस को कम्प्लीटली देखो। इस बात का इम्पॉर्टेंस अभी ये लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। मैं क्यों हर बार बोल रहा हूँ आपको हर लेक्चर को देखा बोल के। अभी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स। उसमें से पहला टर्म है क्लासिफिकेशन। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ क्लासिफिकेशन क्या होता है, टैक्सन क्या होता है, कैटेगरी क्या होता है, ये सब कुछ प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ। लेकिन और एक बार इधर थोड़ा थोड़ा कॉपी एंड पेस्ट किया हूँ, क्यों बोले तो आपको अच्छा से समझ में आए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले प्रीवियस वीडियोस को देखो, बाद में अगले आने वाले वीडियोस को देखो, तो आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। तो अभी देखेंगे हम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट टैक्सन और कैटेगरीज ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की बेस्ड ऑन इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर इज नोन एज क्लासिफिकेशन। देन व्हाट इज टैक्सन? एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है ना, इसको ही हम बोलेंगे टैक्सन। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ आइदर सेम और डिफरेंट स्पीसीज इज नोन एज टैक्सन। देन व्हाट इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी? ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ए टैक्सन। ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ए टैक्सन इन टू ए सिंपल यूनिट इज नोन हैज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अभी देखो हम किंगडम एनिमालिया एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। किंगडम एनिमालिया बोले तो हम लोगों को इसमें ये सब कुछ ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होता है बोल के पता चलता है ना, तो ये सिंपल यूनिट में रिप्रेजेंट किया है ना, उसे ही बोलेंगे हम कैटेगरी। ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ए टैक्सन इन ए सिंपल यूनिट इज नोन एज कैटेगरी। इफ ए टैक्सन इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेवरल डिफरेंट स्पीसीज देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए सिंपल यूनिट दैट इज हाइएस्ट कैटेगरी किंगडम। फॉर एग्जाम्पल अभी इसमें सेम स्पीसीज ही होगा, सभी हनीबीज 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 होगा, तो हम इसे लोवेस्ट कैटेगरी स्पीसीज से रिप्रेजेंट करेंगे। आप लोगों को पता है क्या, लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू फाइव किंगडम्स। दोज आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमलिया। दिस फाइव किंगडम कॉन्सेप्ट वॉज प्रपोज्ड बाय विटेकर, याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखेंगे हम किंगडम एनिमालिया के बारे में। इसके पहले हम इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे
स्पीसीज टैक्सोनॉमिक हायरार्की कंसिस्टिंग ऑफ सेवन ऑब्लिगेट कैटेगरीज, दोज आर स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। स्पीसीज में क्या रहता है? स्पीसीज कंटेन ऑल द सिमिलर ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। जीनस में क्या होता है? कंटेन्स ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, डिफरेंट डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज है ना, फॉर एग्जाम्पल एपिस डोरसाटा, एपिस मेलिफेरा, एपिस सेरेना इंडिका, ये सब कुछ इसमें आता है। उसके बाद फैमिली में क्या होता है? ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ रिलेटेड जीनस एट द सेम टाइम। किंगडम में रहता है ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ रिलेटेड फाइला, डिफरेंट डिफरेंट फाइलास होते हैं ना, टोटल 36 फाइला है। उस फाइला का ऑर्गेनिज्म किस में इंक्लूड होता है? दैट इज इन हाइएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी किंगडम एनिमलिया में प्लेस करते हैं। किंगडम एनिमलिया में हम उसे अरेंजमेंट करते हैं, इसको ही हम बोलेंगे टैक्सोनॉमी। अमंग ऑल दोज फाइव किंगडम्स, किंगडम एनिमलिया इज द लार्जेस्ट वन। क्वेश्चन हो सकता है विच इज द लार्जेस्ट किंगडम अमंग द फाइव किंगडम प्रपोज्ड बाय दी विटेकर? तो आप बोलना चाहिए किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया इज द हाइएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, बोला हो ना, हाइएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ रिलेटेड फाइलम्स, डिफरेंट फाइलम्स का ऑर्गेनिज्म्स इसमें मौजूद होता है। अभी तक 36 रिकग्नाइज्ड फाइला एनिमल किंगडम में है। तो इसमें से इम्पॉर्टेंट वाला है, एक कोड बनाया हूँ आपके लिए मैं, पन हाम एक है। प्लाटीहेलमेंथिस, नेमाटोडा, अनलीडा, आर्थ्रोपोडा, मलस्का, एकहेनोडर्मेटा, कॉर्डेटा आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कंटेन द वैस्ट मेजॉरिटी ऑफ डिस्क्राइब्ड एक्सटेंट स्पीसीज। तो इसमें से नेमाटोडा भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। एट द सेम टाइम अनलीड्स के बारे में हम ऑलरेडी, एर्थवाम अनलीड्स में आता है एर्थवाम, इसके बारे में हम ऑलरेडी 11वीं 12वीं में पढ़े हैं। अभी तो हम आर्थ्रोपोडा के बारे में डिस्कस ही करने वाला है। तो अभी देखेंगे हम फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, द टर्म आर्थ्रोपोडा का मीन होता है ज्वाइंटेड लेग। अभी देखो ये इंसेक्ट का लेग है, इधर ज्वाइंट है, इधर ज्वाइंट है, इधर ज्वाइंट है, इधर भी ज्वाइंट है, इसीलिए हम इंसेक्ट को फाइलम आर्थ्रोपोडा में अरेंजमेंट किया है। फाइलम आर्थ्रोपोडा इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ रिलेटेड क्लासेस सच एज टोकामी, या अनदर कोड है आपके लिए। देखो इधर फाइलम, इट इंक्लूड ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ रिलेटेड क्लासेस। इसमें कौन सा क्लासेस हो सकता है? टोकामी, इधर दिया हूँ वो कोड टोकामी, और उसका एक्सपेंशन इधर दिया हूँ। टी मतलब ट्राइलोबाइटा, ओ इंडिकेट करता है ऑनिकोफोरा, सी इंडिकेट करता है क्रस्टेशियन, ए इंडिकेट करता है अराकनिडा, एम इंडिकेट करता है मीरियोपोडा, आई इंडिकेट करता है इंसेक्टार हेक्सोपोडा। तो ट्राइलोबाइटा एन एक्सटिंक्ट ग्रुप है, ये इंपॉर्टेंट रखो। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा इज एक्सटिंक्ट वन? एक्सटिंक्ट मतलब इसका स्पीसीज खत्म हो जा रहा है इस जमीन से, हो गए भी ऑलरेडी। तो उसके लिए आप आंसर देना चाहिए ट्राइलोबाइटा, इसका एग्जाम्पल है ट्राइलोबाइट्स। अनिकोफोरा में आता है पेरिपैटस। क्रस्टेशियंस में आता है प्रॉन्स, क्राब्स, लोबस्टर्स एंड वुडलाउस। अरकनिडा में आता है स्कॉर्पियंस, स्पाइडर्स, टिक्स एंड माइट्स। अरकनिडा क्लास है ना, इस क्लास का ऑर्गेनिज्म में एंटेना नहीं होते हैं। अरकनिडा क्लास ऑर्गेनिज्म्स आर विदाउट एंटेना। अभी देखेंगे हम मीरियोपोडा का एग्जाम्पल, दैट इज इट इज डिवाइडेड इंटू टू सब फाइलम्स, इट इज डिवाइडेड इंटू टू सब क्लासेस एक्चुअली, हियर सब क्लासेस, दैट इज वन चिलोपोडा, एग्जाम्पल सेंटीपेड्स, सेकेंड वन इज डिप्लोपोडा, एग्जाम्पल इज मेलीपेड। क्लास
इंसेक्टा में आता है इंसेक्ट्स। तो आप इसमें से क्लास का नाम उसका एग्जाम्पल याद रखना चाहिए। तो आपको इजी करने के लिए मैं क्लासेस का नाम उसका एग्जाम्पल इमेजेस के साथ दिखाया हूँ। चलो देखेंगे फिर एक बार अपन। यह है क्लास ट्राइलोबाइटा, एक्सटिंक्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ये उसका इमेज है। इमेज के साथ पढ़े तो आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। उसके बाद क्लास अनिकोफोरा, इसका एग्जाम्पल है पेरिपेटस, इसे हम वेलवेट वाम भी बोल सकते हैं। उसके बाद क्लास क्रस्टेशिया है, इसमें आता है प्रॉन्स, क्राब्स, लोबस्टर्स, उडलाउस एट्सेट्रा। उसके बाद क्लास अराकनेडा, क्लास अराकनेडा में आता है स्कॉर्पियन, स्पाइडर, टिक्स एंड माइट्स। अभी हम देखेंगे क्लास मीरियोपोडा। क्लास मीरियोपोडा इज डिवाइडेड इनटू टू सब क्लासेस, दैट इज वन चिलोपोडा एंड अनदर वन इज डिप्लोपोडा। चिलोपोडा के लिए एग्जाम्पल है सेंटीपेड्स, डिप्लोपोडा के लिए एग्जाम्पल है मिलीपेड्स। ये सब कुछ इमेजेस आप लोग देखे हैं, लेकिन इसका नाम सेंटीपेड है, इसका नाम मिलीपेड्स है बोल के पता नहीं था ना। इसीलिए इमेज को देखने के बाद अपने को ऑलरेडी अपना सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाता है। अभी देखेंगे हम क्लास इंसेक्टा। क्लास इंसेक्टा में डिफरेंट इंसेक्ट्स आता है, बीटल्स, बटरफ्लाइज, मॉथ्स, ग्रास हॉपर, ड्रैगन फ्लाई एट्सेट्रा। इसके बारे में तो हम इन डिटेल्स में देखने वाला है आगे आने वाला स्लाइड में। तो अभी अपन जितना पढ़े उसमें से क्वेश्चन कैसा हो सकता है आपके लिए। प्रॉन्स बिलोंग टू द क्लास, कौन सा क्लास को बिलोंग्स करते हैं प्रॉन्स, बोलो। इट्स बिलोंग टू द क्लास क्रस्टेशियन। एग्जाम्पल फॉर क्लास अराकनिडा, अराकनिडा में क्या क्या आता है? स्पाइडर आता क्या? स्कॉर्पियन आता क्या? टिक्स आता क्या? माइट्स आता क्या? यस, ये सब कुछ ऑर्गेनिजम्स अराकनिडा में इंक्लूड हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा विच इज विदाउट एंटेना। तो इसका आंसर है, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मैं, अराकनिडा। अभी देखेंगे अपन डिटेल्स अबाउट क्लास इंसेक्टा। तो क्लास इंसेक्टा इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये फाइलम आर्थ्रोपोडा इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ रिलेटेड क्लासेस, था ना, टोकामी क्लासेस बोला था मैं, टोकामी लास्ट में आई है ना इंसेक्टा। तो इंसेक्टा इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। सी, दिस इज द लार्जेस्ट क्लास। इंसेक्ट्स आर मोस्टली टेरिस्ट्रियल, ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्ट जमीन के ऊपर ही रहते हैं, मगर एक्सेप्शंस भी है कि वाटर में भी रह सकता है एक्वाटिक इंसेक्ट्स। द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट इज डिवाइडेड इंटू थ्री रीजियन, दैट इज हेड, थोरैक्स एंड अबडामिन। हेड इज सिक्स सेगमेंटेड, थोरैक्स इज थ्री सेगमेंटेड, अबडामिन इज 9 to 11 सेगमेंटेड। ये नंबर ऑफ सेगमेंट्स याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंसेक्ट्स में ये पेयर ऑफ कॉम्पाउंड हाइस है एंड ए पेयर ऑफ एंटेना भी होता है। इंसेक्ट्स में टू पेयर्स ऑफ विंग्स होता है, थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स होता है, इसीलिए हम इसे हेक्सोपोडा बोले हैं। इंसेक्ट्स रेस्पायर थ्रू ट्राकिया, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इधर दिख रहे हैं ना, ये स्पायरकिल्स है। ये स्पायरकिल्स इनसाइड इनसाइड कनेक्ट होता है ट्राकिया के साथ। इंसेक्ट में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लोकेटेड होता है नाइन्थ अबडामिनल सेगमेंट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लोकेटेड होता है ऑन 8th एंड 9th अबडामिनल सेगमेंट के ऊपर। अभी देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट।
द वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट वॉज प्रपोज बाई एमिनेंट इंसेक्ट टैक्सोनॉमिस्ट एडी इम्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखो। क्लास इंसेक्टा में टोटल 29 ऑर्डर्स हैं। इंसेक्ट्स आर क्लासिफाइड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ विंग्स। विंग्स को कंसिडर करते हुए ही ये क्लास इंसेक्टा को 29 ऑर्डर्स में क्लासिफाई किया है। अभी देखो, एक क्लास इंसेक्टा है। क्लास इंसेक्टा इज डिवाइडेड इनटू सब क्लास वन ए टेरिगोटा, मीन इंसेक्ट्स विदाउट विंग्स। सब क्लास टू टेरिगोटा, मीन्स इंसेक्ट्स विथ विंग्स। तो सब क्लास टू टेरिगोटा इज अगेन डिवाइडेड इनटू डिवीजन वन, दैट इज एक्सो टेरिगोटा, एंड डिवीजन टू एंडो टेरिगोटा। फिर एक्सो टेरिगोटा और एंडो टेरिगोटा का मतलब क्या है? एक्सो टेरिगोटा मतलब इंसेक्ट का विंग्स आउटसाइड रहता है ना। तो सभी की इंसेक्ट में तो हम अभी तक देखे हैं आउटसाइड ही होते हैं। एंडो टेरिगोटा मतलब इंसेक्ट का विंग इनसाइड होते क्या है? वो था इंसेक्ट का विंग इनसाइड होता है क्या? नहीं, एक्चुअली इमेच्यू स्टेज में हम ऑब्जर्व किया तो हमको एक्सो टेरिगोटा इंसेक्ट ऑर्डर में विंग बर्ड आउटसाइड अपीयर होता है, लेकिन इन एंडो टेरिगोटा इंसेक्ट ऑर्डर में इमेच्यू स्टेज में विंग बर्ड आउटसाइड अपीयर नहीं होता है, इसीलिए हम इसे एंडोप्टेरिगोट इंसेक्ट ऑर्डर बोल के नाम दिया है। अभी देखेंगे अपन क्लास इंसेक्टा का 29 ऑर्डर्स। सब क्लास वन एटेरिगोटा, इसमें टोटली चार ऑर्डर है, दैट इज टीडीपीसी। इसके लिए कोड है टीडीपीसी, थाइजेनुरा, डाइप्लूरा, प्रोच्यूरा एंड कोलम्बोला। सब क्लास टू टेरिगोटा इज डिवाइडेड इनटू डिवीजन वन, दैट इज एक्सो टेरिगोटा। एक्सो टेरिगोटा का ऑलरेडी मतलब बता दिया हूँ। डिवीजन टू एंडो टेरिगोटा, एंडो टेरिगोटा का भी मतलब बता दिया हूँ। तो अभी देखेंगे हम एक्सो टेरिगोटा का 16 ऑर्डर्स, दैट इज ओ ई पी जी जी पी एम एस पेड ऑडिट। ये हो गया 16 एक्सोप्टेरिगोट ऑर्डर्स। ओ इंडिकेट करता है ओडोनाटा, ई एफिमेरोप्टेरा, पी प्लेकोप्टेरा, जी ग्रिलोब्लाटोडिया, जेड जोरोप्टेरा, पी सोकोप्टेरा, एम मल्लोफैगा, एस साइफांकुलाटा, पी फॉस्मिडा, ई एम्बायोप्टेरा, डी डर्मोप्टेरा। ऑड इट्थ, ओ ऑर्थोप्टेरा, डी डिक्टियोप्टेरा, आई आइसोप्टेरा, टी थाइजोनोप्टेरा, एच हेमिप्टेरा। तो इसको याद करने के लिए मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। एक दो स्टूडेंट्स है, एमएससी का स्टूडेंट्स है, ये इसको बोल रहा है कि ओई पीजी का जीपी मास्टर स्टूडेंट के लिए स्ट्रांग पेड़ के जैसा होता है, तो उसको ऐड कर लो यार अच्छे से पढ़ाई करके, वैसा बोल रहा है। ओई एमएससी का जीपी, ओई पीजी का जीपी मास्टर स्टूडेंट्स के लिए पेड़ के जैसा होता है, उसे ऐड कर लो ऑडिट। अभी देखेंगे हम एंडोप्टेरिगोटा ऑर्डर्स, एल एच सी डी एस एम एस टन। एल इंडिकेट करता है लेपिडोप्टेरा, एच इंडिकेट करता है हाइमनोप्टेरा, सी इंडिकेट करता है कोलियोप्टेरा, डी इंडिकेट करता है डिप्टेरा, एस साइफनोप्टेरा, एम मेकोप्टेरा, एस स्ट्रेप्सिप्टेरा, टी ट्राइकोप्टेरा, एन न्यूरोप्टेरा। इसके लिए भी आपको एक लॉजिक बताता हूँ मैं। आपका मोबाइल का नाम है एल एच सी डी, इसको एस एम एस आया तो कैसा बोलेंगे? टन बोल के बोलता है ना, तो वही बोला हूँ एल एच सी डी एस एम एस टन। वैसा लॉजिक बताने के लिए एक रीज़न है, वो आगे आने वाले स्लाइड में आपको पता चल जाएगा।
अभी हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली अबाउट मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस के बारे में हम आगे चल के एक सेपरेट लेक्चर लेंगे, लेकिन अभी यहाँ क्लैरिटी के लिए हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? चेंज इन फॉर्म इज नोन हैज मेटामॉर्फोसिस। एग इज हैच्ड इंटू लार्वा, लार्वा इज मोल्टेड इंटू प्यूपा, प्यूपा इज डिफ्रेंशिएटेड इंटू अडल्ट, अडल्ट रिप्रोड्यूस एग्स। अभी देखो, ये एक अडल्ट है, अडल्ट नहीं तो ये एग्स है। एग्स क्या होता है? हैच होके लार्वा देता है, लार्वा मोल्ट होके प्यूपा देता है, प्यूपा डिफ्रेंशिएशन होके अडल्ट देता है, अडल्ट क्या करता है? रिप्रोड्यूस करेगा एग्स को। तो इसका फॉर्म चेंज है कि नहीं है? इंसेक्ट को ग्रोथ करने के लिए वैसा चेंज करना कंपलसरी है, वही तो बोला हूँ, चेंज इन फॉर्म इज नोन हैज मेटामॉर्फोसिस। तो अभी देखेंगे हम ए मेटामॉर्फोसिस, हेमी मेटामॉर्फोसिस, होलो मेटामॉर्फोसिस। ए मेटामॉर्फोसिस मतलब देर इज नो चेंज इन फॉर्म। अभी देखो, ये इमेच्योर सिल्वर फिश है, ये मेच्योर सिल्वर फिश है, इसका फॉर्म में कोई चेंज आया क्या? नहीं आया, इसलिए हम बोलेंगे इसको ए मेटामॉर्फोसिस। अभी देखेंगे हम हेमी मेटामॉर्फोसिस। अभी देखो, इसमें ए एग्स हैं, एग से निम्फ आया, निम्फ से अडल्ट आया, तो इसमें प्यूपल स्टेज है क्या? नहीं है। कितना स्टेजेस है? ओनली थ्री, 1 2 3। हेमी मेटामॉर्फोसिस आर हेमोमेटा, हेमी मेटा बोला, इंसेक्ट हैव ओनली थ्री लाइफ स्टेजेस, दैट इज एग, निम्फ एंड अडल्ट। देर इज नो प्यूपल स्टेज, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट हैज इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इसमें इमेच्योर स्टेज को हम बुलाएंगे निम्फ। अभी देखेंगे हम होलो मेटामॉर्फोसिस। होलो मेटामॉर्फोसिस में देखो कितना स्टेजेस है, चार स्टेजेस है ना, प्यूपल स्टेज है ना, इसीलिए हम कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस भी बोल सकते हैं इसको। होलो मेटाबॉलस इंसेक्ट का इमेच्योर स्टेज को हम बोलेंगे लार्वे। हियर इमेच्योर स्टेज ऑफ हेमी मेटाबॉलस इंसेक्ट को क्या बोले? इट इज ए निम्फ। अभी आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन रेड कॉटन बग। टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन हनी बी, टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन सिल्वर फिश। तो अभी देखेंगे हम आंसर इसका, रेड कॉटन बग में हेमी मेटामॉर्फोसिस होता है, हनी बीस में होलो मेटामॉर्फोसिस होता है, सिल्वर फिश में नो मेटामॉर्फोसिस होता है। अभी तो हम ये खाली तीन इंसेक्ट के लिए आंसर को रट्टा मार लेंगे, लेकिन टोटल 29 ऑर्डर्स को याद रखने के लिए कैसा करेंगे? ये तो दिमाग खराब करने वाला काम हो गया ना। तो कोई ज़रूरत नहीं है आप टेंशन लेने का, इसके लिए भी आपके लिए मैं एक लॉजिक बनाया हूँ। आपको ऑलरेडी बोला हूँ मैं, क्लास इंसेक्टा इज डिवाइडेड इनटू सब क्लास 1 ए टेरिगोटा एंड सब क्लास 2 टेरिगोटा। ए टेरिगोटा में टोटल कितना ऑर्डर्स है? चार ऑर्डर है, दैट इज टी डी पी सी। इस चारों ऑर्डर में ए मेटामॉर्फोसिस होता है, देर इज नो चेंज इन द फॉर्म इन दी ए टेरिगोट इंसेक्ट ऑर्डर्स। इसीलिए आप टी डी पी सी बोल के कोड याद रखो, उसके साथ साथ ए मेटामॉर्फोसिस बोल के याद रखो। एट द सेम टाइम आपको बोला हूँ, टेरिगोटा सब क्लास इज डिवाइडेड इंटू डिविजन 1 एक्सोप टेरिगोटा एंड डिविजन 2 एंडोप टेरिगोटा। तो डिविजन 1 एक्सोप टेरिगोटा में टोटली 16 ऑर्डर्स है, दैट इज ओ ई पी जी जी पी एम एस पेड ऑडिट। तो इस 16 ऑर्डर्स में हेमी मेटामॉर्फोसिस होता है,
तो आप ये कोड याद रखो, वही PGGP MS PAID ऑडिट, उसके साथ साथ याद रखो हेमी मेटामॉर्फोसिस। देखे है ना, ये कोड का इम्पोर्टेंस पता चल रहा है ना, ये कोड याद है तो हम इस सभी का आंसर हेमी मेटामॉर्फोसिस कर सकते हैं। अभी देखेंगे हम एंडोप्टेरिगोट ऑर्डर, दैट इज LHCD SMS 10। इस नाइन ऑर्डर में, इस सभी नाइन ऑर्डर में होलो मेटामॉर्फोसिस होता है, कंप्लीटली चेंज इन फॉर्म होता है। तो आप यहाँ याद रखो LHCD SMS 10 के साथ होलो मेटामॉर्फोसिस। अभी हम देखेंगे क्लास इंसेक्टा का ऑर्डर्स, दैट इज एक्सोप्टेरिगोटा, एंडोप्टेरिगोटा एंड एटेरिगोटा ऑर्डर्स विथ एग्जाम्पल एंड इमेजेस के साथ। यहाँ से आपको क्वेश्चन हो सकता है कि ऑर्डर का नाम देके उसका एग्जाम्पल पूछ सकता है, नहीं तो एग्जाम्पल देके उसका ऑर्डर का नाम बताओ बोल के पूछ सकता है। तो हम पहले देखेंगे अभी क्लास इंसेक्टस एटेरिगोट ऑर्डर्स। एटेरिगोट ऑर्डर्स कितना है? चार है। एटेरिगोट ऑर्डर्स कौन सा? TDPC। इसमें मेटामॉर्फोसिस होता क्या? नहीं होता है, नो मेटामॉर्फोसिस। ये है पहला टी इंडिकेट थाइजनयूरा, उसका एग्जाम्पल है सिल्वर फिश एंड फायरब्रैट्स। इस इंसेक्ट को आप देखे नहीं क्या? बुक में से और कपड़ा में से निकल के उधर इधर भागता रहता है। लेकिन आप इमेजेस को नहीं देखे उसके नाम के साथ, इसीलिए आप लोगों को एंटमोलॉजी सब्जेक्ट हार्ड लगता है। अभी देखो ये वीडियो देखने के बाद आप खुद बुक लेके पढ़े तो भी आपको समझ में आ जाने लगेगा एंटमोलॉजी सब्जेक्ट। उसके बाद डी इंडिकेट्स TDPC है ना, डी इंडिकेट्स डाइप्लूरान ऑर्डर, इसका एग्जाम्पल होता है डाइप्लूरान्स आर जापीजिड्स। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर है प्रोचुरा, एग्जाम्पल है प्रोचुरान्स आर टेल्सेंटाइल। दिस इंसेक्ट ऑर्डर्स विदाउट आइज एंड अंटेना, हेंस वी कॉल देम ब्लाइंड इंसेक्ट, भी बोल सकते हैं हम इसे। इसके पहले आपको मैं बता चुका हूँ क्लास का नाम, एक क्लास है विदाउट एंटेना दैट इज अराकनिडा। यहाँ पे बता रहा हूँ ये इंसेक्ट का ऑर्डर है विदाउट एंटेना इज प्रोचुरा, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन इट। अभी देखेंगे हम कोलम्बोला, कोलम्बोला में आता है एग्जाम्पल स्प्रिंग टेल और स्नोफ्लिया। अभी हम देख लिया है एटेरिगोट इंसेक्ट ऑर्डर, अभी हम देखेंगे एक्सोप्टेरिगोट इंसेक्ट ऑर्डर, दैट इज OEPGGP MS PAID ऑडिट एंड एंडोप्टेरिगोट इंसेक्ट ऑर्डर्स LHCD SMS 10। तो फर्स्ट हम देखेंगे एक्सोप्टेरिगोट इंसेक्ट ऑर्डर्स, दैट इज OEPGGP MS PAID ऑडिट। ये ग्रीन से मार्क क्यों किया बोले तो, आप लोग ये सब कुछ नहीं याद किया तो मिनिमम ये तो पक्का याद करना पड़ेगा, दिज आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट ऑर्डर्स। OE इंडिकेट्स ओडोनाटा, एग्जाम्पल ड्रैगन फ्लाई एंड डैमसेल फ्लाई। ई इंडिकेट एफिमेरोप्टेरा, एग्जाम्पल मे फ्लाई। पी इंडिकेट प्लेकोप्टेरा, एग्जाम्पल स्टोन फ्लाई। ग्रिलो ब्लाटोडिया रॉक क्रॉलर, एग्जाम्पल जोरोप्टेरा, एग्जाम्पल जोरोप्टेरांस। दिस इज द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर, विच इज द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर, इट इज द जोरोप्टेरा। नेक्स्ट सोकोप्टेरा, एग्जाम्पल है बुक लाइस और सॉकिड्स। मल्लोफैगा, एग्जाम्पल है बर्ड लाइस, हेंस का लाइस होता है ना, जैसा वुमन का लाइस होता है, ये है मल्लोफैगा का एग्जाम्पल। उसके बाद साइफांकुलाटा, हेड लाउस, ह्यूमन बीइंग का हेड्स में होता है ना। उसके बाद है फास्मिडा, इसमें आता है एग्जाम्पल स्टिक इंसेक्ट एंड लीफ इंसेक्ट। उसके बाद ऑर्डर है अम्बायोप्टेरा, इसका एग्जाम्पल है वेब स्पिनर।
उसके बाद ऑर्डर है डर्मोप्टेरा, इसका एग्जाम्पल है एयरविग्स। इस इंसेक्ट को नहीं देखे क्या आप? देखे है, ये उधर से इधर भागता रहता है ना। अभी देखो ग्रीन वाला ऑर्डर्स आ गया, इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स है। ऑर्थोप्टेरा एग्जाम्पल है ग्रास हॉपर, लॉकस्ट, क्रिकेट एंड मॉल क्रिकेट। अभी देखेंगे हम डिक्टियोप्टेरा, डिक्टियोप्टेरा में आता है कॉकरोच एंड मैंटिड्स। नेक्स्ट ऑर्डर इज टर्माइट्स, नेक्स्ट ऑर्डर इज आइसोप्टेरा, एग्जाम्पल इज टर्माइट। नेक्स्ट ऑर्डर इज थाइजोनोप्टेरा, एग्जाम्पल इज थ्रिप्स। नेक्स्ट ऑर्डर इज हेमिप्टेरा, विच इज अगेन डिवाइडेड इंटू होमोप्टेरा एंड हेटेरोप्टेरा। हेटेरोप्टेरा मीन्स विंग्स लुक डिवाइडेड हेटीरो टेरा, हेटीरो मीन नॉट अलाइक। इधर देखो विंग्स मेम्ब्रेनस है, इधर समवाट थिक है। तो हेटीरोप्टेरा में आता है एग्जाम्पल बग्स, होमोप्टेरा में आता है एग्जाम्पल लीफ हॉपर, प्लांट हॉपर, वाइट फ्लाइज, मीली बग्स, सिकाडास, एफिड्स एट्सेट्रा, स्केल इंसेक्ट्स। अभी हम देखेंगे एंडोप्टेरिगोट ऑर्डर्स, दैट इज LHCD, SMS, टन। LHCD ग्रीन मार्किंग किया हूँ, क्यों बोले तो ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स है। एल इंडिकेट लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा में आता है मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज। उसके बाद H इंडिकेट करता है हाइमनोप्टेरा, इसका एग्जाम्पल है हनी बीस, बम्बल बीस, वैस्प एट्सेट्रा। नेक्स्ट ऑर्डर इज पोलियोप्टेरन ऑर्डर, इसका एग्जाम्पल है बीटल्स एंड वीविल्स। दिस इज द बीटल एंड दिस इज द बीटल, दिस इज द ग्रब ऑफ बीटल। सो दिस इज द पोलियोप्टेरा इज द लार्जेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर है, विच इज द लार्जेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर बोल के क्वेश्चन होगा आपके लिए। तो पोलियोप्टेरा इज द लार्जेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर। इस ऑर्डर का एक फैमिली है करकुलियोनिडे, उसमें वीविल्स आता है, इट इज द लार्जेस्ट फैमिली होता है। उसके बाद देखेंगे हम डिप्टेरा, डिप्टेरा में आता है हाउस फ्लाई एंड मस्किटो। उसके बाद ऑर्डर आता है स्ट्रिप्सिप्टेरा, एग्जाम्पल है स्टाइलोपीड्स। उसके बाद ऑर्डर आता है मेकोप्टेरा, उसका एग्जाम्पल है स्कॉर्पियन फ्लाई। नेक्स्ट ऑर्डर है साइफनोप्टेरा, एग्जाम्पल है फ्ली। द मोस्ट सीवियर इन्फेक्शन स्प्रेड बाई फ्ली इज प्लेग, कॉज्ड बाई द बैक्टीरिया एर्सिनिया पेस्टिस। सो फ्ली इज दी वेक्टर ऑफ प्लेग डिसीज एंड म्यूरन टाइफस। नेक्स्ट ऑर्डर इज ट्राइकोप्टेरा, एग्जाम्पल इज कैडिस फ्लाई। नेक्स्ट ऑर्डर इज न्यूरोप्टेरा, एग्जाम्पल इज एंटलायन एंड लेसविंग्स। ये तो हो गया लेक्चर कंप्लीट। आप लोग इमेज के साथ ऑर्डर का नाम और एग्जाम्पल याद रखो। तो इधर दो तीन क्वेश्चन दिया हूँ, उसको अटेम्प्ट करो। नेम ऑफ द क्लास विदाउट एंटेना, नेम ऑफ द इंसेक्ट ऑर्डर विदाउट एंटेना, सेकंड लार्जेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर कौन सा है? इसका आंसर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये अपना बुक है, जो इमेजेस लिया हूँ वही बुक से लिया हूँ। इस बुक में एवरीथिंग विल बी गिवेन इन दी कलर्ड इमेज फॉर्म, सभी कलर्ड इमेज फॉर्म से दिया है इस बुक में। आप इस बुक को भी रिफ़र कर सकते हैं। तो थैंक यू। आप लोगों को ये इंसेक्ट ऑर्डर्स विथ एग्जाम्पल एंड इमेजेस के साथ याद है तो आगे आने वाला सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली समझ में आ जाने लगेगा। आप लोगों को कोई पढ़ाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इस लेक्चर को एक से दो बार देखो और इसमें परफेक्शन करो। ओके, थैंक यू।